हेलो दोस्तों, दीपानीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जुरासिक वर्ल्ड डानो थीम केक की रेसिपी। अभी तक आपने जितने भी डानो केक देखे होंगे वो जनरली राउंड, रेक्टेंगल या फिर टू टू थ्री टीयर होते हैं और उनमें काफ़ी सारे टॉयज यूज होते हैं, लेकिन आज का मेरा डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है जो कि आई होप आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। और हाँ, अगर आपको डानो केक की एक और डिज़ाइन चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर है, जो कि मैंने अपने बेटे के थर्ड बर्थडे पर बनाई थी, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना बेस रेडी कर लेंगे। ये मैंने 9x13 इंच का केक टिन लिया है, जिसमें मैंने चॉकलेट का बेस बेक करके रेडी कर लिया है। बेस के लिए आप मेरा चॉकलेट बास्केट केक रेफर कर सकते हैं, उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो स्क्वायर टिन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट रेक्टेंगल टिन से मैंने इसलिए यूज़ किया कि एक ही बार में हमारा स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा, बार बार बेकिंग का झंझट नहीं रहेगा। तो अभी हम कोई स्केल ले लेंगे, मेजरिंग टेप से इसको एग्जैक्ट इक्वल सेक्शंस में कट कर लेंगे। ये 12 इंच का केक है तो हम इसको 6 इंच में भी डिवाइड करके कट कर रहे हैं। और अभी हमें इसको साइड से भी थोड़ा कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको प्रॉपर स्क्वायर शेप देना है इसके लिए। अभी आप सोच रहे होंगे साइड जो कट हो रहे हैं इनका क्या होगा, हम इसको भी केक में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अपनी केक की हाइट इनफ रखनी है, लाइक एक क्यूब का शेप देना है। तो इसके लिए हमें लेफ्ट वर्ड्स भी यूज़ करेंगे और ये केक के टोटल हमारे जो 1, 2 यानी जो साइड्स के कट हो रहे हैं, ये मिला के टोटल 3 सेक्शंस हो रहे हैं, 3 लेयर्स। तो हम इनको जस्ट हाफ बीच में से कट करेंगे, ज़्यादा लेयर्स नहीं कट करने हैं स्पॉन्ज में से, और फिर उनकी आइसिंग करनी है। और इन दोनों स्पॉन्जेस के बीच में जो गैप होगा उसको हम ओरियो से फिल कर देंगे। तो एक लेयर में 3 ओरियो अगर आप रखते हैं तो आपका गैप फिल हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके हम इसके जितने भी लेयर्स हैं उनको अच्छे से आइसिंग करके असेंबल कर लेंगे क्रीम और ओरियो का यूज़ करके। तो अभी हम केक की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। केक की असेंबलिंग आपको मेरे कई सारे वीडियो मिल जाएगी। चॉकलेट बास्केट केक में आप क्रीम को व्हिप करने का तरीका देख सकते हैं। इस पूरे केक को बनाने में मुझे टोटल 6 कप व्हिपिंग क्रीम लगे हैं, मीन्स अप्रॉक्स 6 कप। और इसका जो फर्स्ट आइसिंग होगा उसमें करीब 2.5 से 3 कप के करीब मुझे व्हिपिंग क्रीम लगी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा कोकोआ पाउडर ऐड किया है, अराउंड 1/4 कप, जिससे ये थोड़ा सा ऐसा कलर आ रहा है। वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इस टाइम पे कोकोआ पाउडर। और फिर हम हर एक लेयर के स्पॉन्ज को रखेंगे और उसको शुगर सिरप से ब्रश करके उसके ऊपर सबसे पहले हम व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर स्प्रेड करेंगे और उसको स्पैचुला की हेल्प से इक्वल कर लेंगे। और अभी इसके ऊपर आप चाहे तो कोई सी भी गार्निशिंग कर सकते हैं, लाइक चॉकलेट, चेरीज, फ्रूट्स, जो भी आपकी फेवरेट हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो सेम इसी तरीके से हम इसके जितने भी लेयर्स हैं हम इनको असेंबल कर लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सारी क्रीम को एक साथ व्हिप नहीं करना है, सबसे पहले आप हाफ क्रीम व्हिप कर लेंगे, और जिससे इसका एटलीस्ट फर्स्ट आइसिंग हो जाएगी, मीन्स इसके लेयर्स स्टैक कर लेंगे। और इसको चारों तरफ से हल्का सा जितनी भी क्रीम बची है उससे लेफ्ट ओवर क्रीम से अच्छे से कवर कर देंगे, जितना भी ये कवर हो रहा है। और जब हमारे फर्स्ट बैच की क्रीम से केक कवर हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और अभी हम सेकेंड बैच की क्रीम भी व्हिप कर लेंगे और उसमें से कुछ क्रीम हम साइड में रख देंगे लीव्स और स्टोन्स और बॉर्डर्स के लिए। बाकी एक्स्ट्रा बची हुई क्रीम जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए बॉर्डर्स के लिए, उसमें हम अच्छे से कोकोआ पाउडर और ब्राउन फूड कलर मिलाएंगे। कोकोआ पाउडर मैंने अराउंड 1/2 कप तक यूज़ किया था, इट डिपेंड्स, आप उसको छान के यूज़ करिएगा, और अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसमें प्रॉपर शुगर डालिएगा, अदरवाइज कोकोआ पाउडर थोड़ा बिटर आता है, तो उसके लिए शुगर की क्वांटिटी भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्रीम को बीट करने के बाद एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। और कोकोआ पाउडर डालने से एक और अच्छी चीज़ हो जाती है कि क्रीम में काफ़ी अच्छे स्टिपिक्स आ जाते हैं, तो आप बहुत ही इजीली बास्केट वीव नोज़ल का यूज़ करके बहुत ही बढ़िया से इसमें बास्केट्स बना सकते हैं पैकेज का शेप देने के लिए।
मैंने यहाँ पर विल्टन की 789 नंबर की बास्केट वेव नोजल यूज की है। आप इससे पतले वाले भी जो बास्केट वेव नोजल्स आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो बस नोजल्स का यूज करके आपको इसके चारों तरफ वेव्स बनाने हैं एक सीधी लाइन में। तो हमने चारों तरफ इसको वेव्स बना दिया। ऊपर की तरफ हम इसके थोड़े इस तरह के वेव्स बनाएंगे जो लगेगा कि पॉप वाला लुक लगेगा, लाइक बॉक्स को ओपन करके डायनो बाहर आया है तो ऐसा फील आना चाहिए। तो उसके लिए हम ऊपर इस तरीके से थोड़े से वेव्स और बना देंगे। तब मैं यहाँ पे टूथपिक ले रही हूँ जिसमें हम थोड़ा सा ब्राउन फूड कलर में इसको लगाते जाएंगे हल्का सा, और इससे इस वेव्स के जो कॉर्नर्स हैं एजेस हैं उनको थोड़ा शार्प करते जाएंगे जिससे वो थोड़ा दिखाई दे अच्छे से और हमें समझ में आए। तो जो मैंने वेव्स बनाए उसके बीच में बस मैं एक बार और करेंगे और कॉर्नर्स पे करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये थोड़ा पैकेज वाला लुक आएगा, और कहीं कहीं चाहें तो जब भी टूथपिक को वाइप करके हल्का सा ब्राउन कलर में डिप कर लें, अदरवाइज आप नहीं भी कर सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। और फिर इसी तरीके से हम इसके कॉर्नर्स के जो एजेस हैं वेव्स के उसको थोड़ा सा शार्प करते जाएंगे। और अगर आप पतले वाले बास्केट वेव्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ऐसे कट नहीं करना होगा, तो आपको उनकी चौड़ाई ध्यान देनी होगी, ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो आप सिर्फ उनके कॉर्नर्स को ही शार्प करेंगे, सेंटर्स में नहीं। तो ये हमारा केक का मेन डेकोरेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है, और अब हमें इसके सिर्फ साइड में वो पट्टियाँ बनानी हैं बॉक्स की, पैकेज की। तो इसके लिए आप कोई सा भी नोज़ल यूज़ कर सकते हैं विदाउट नोज़ल। मैंने यहाँ पर बास्केट वेव नोज़ल का यूज़ किया है 47 नंबर का, उसमें थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर का क्रीम यूज़ किया है, जो हमने क्रीम बचा के रखी थी उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल देंगे और उसको लाइट ग्रे लुक दे के बॉक्स के साइड में एक फिल जो कॉर्नर्स है उसको फिल भी कर देंगे, और ऐसा वो टेप वाला लुक भी आएगा बॉक्स का। और अभी हमें इसमें लीव्स बनानी है, तो उससे लीव्स बनाने से पहले हमें उसकी डंडियाँ बनानी होंगी, जिसके लिए मैंने वही सेम राउंड नोज़ल यूज़ किया है, उससे हम इसके थोड़े ब्रांचेस बना लेंगे। राउंड नोज़ल में आप विदाउट नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ पाइपिंग बैग को कट करके ऐसे ही थोड़े से ब्रांचेस बना लेंगे, लाइक वो जुरासिक थीम आना चाहिए ना फील। तो विदाउट ग्रीन कलर तो वैसे भी डायनो केक कम्प्लीट ही नहीं हो सकता। और अभी आप लीफ नोज़ल यूज़ करें या पाइपिंग बैग को इस तरीके से वी शेप में कट करके उनसे आप लीव्स बना सकते हैं। तो हम फटाफट नीचे के साइड में थोड़े बड़े बड़े लीव्स बनाएंगे, और बाकी जो हमने ब्रांचेस बनाई हैं उसमें छोटे छोटे लीव्स बनाएंगे। और जो हमारे लीव्स बच जाएंगे तो हमारी जो बची हुई ग्रे कलर की क्रीम थी उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर चाहे तो ऐड कर सकते हैं कहीं कहीं, तो वो स्टोन का लुक देगा। तो वो राउंड नोज़ल से हम नीचे के साइड चारों तरफ स्टोन्स बना देंगे। तो हमारे केक की आइसिंग बिल्कुल डन हो चुकी है, और अब हम इसका फाइनल डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने जुरासिक वर्ल्ड का कटआउट लिया है और इसको एक पतले से कार्डबोर्ड पर स्टिक कर लिया है, और इसको हम केक एक साइड लगा देंगे और एक साइड हम फ्रिजाइल लगाएंगे। और इसको लगाने का तरीका आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये केक सामने के साइड कभी भी नहीं रखेंगे, हम जब भी रखेंगे इसको कॉर्नर साइड करके रखेंगे, लाइक हमारा जुरासिक वर्ल्ड और हमारा फ्रिजायर दोनों सामने से दिखना चाहिए। तो आपको अपने डायनो जो आप डायनो रखने वाले हैं सेंटर में वो
ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से रखना है। तो ये हमारा केक हो गया बिल्कुल कंप्लीट, खूबसूरत डायनो केक। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये केक 3.5 किलो से भी ज़्यादा का है, अराउंड 8 पाउंड का केक है, तो पार्टीज़ के लिए परफेक्ट। आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।